अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड T20 सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला कब और कितने बजे होगा, बारिश की क्या सूरत हाल होगी, मैच पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कितने बजे खेला जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कौन सी प्लेइंग 11 मैदान में उतरेगी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 में कौन सी दो बड़ी तब्दीलियां की जाएंगी, तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो प्यारे दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला T20 मैच बारिश की वजह से मंसूख हो चुका है, जिसके बाद अब दूसरा बड़ा मुकाबला होने जा रहा है जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के 25 मई को शाम 6:30 बजे खेला जाना है। प्यारे दोस्तों, अगर इस मैच में तासातरीन मौसम के सूरत हाल को देखा जाए तो महकमा बरतानवी मौसमियात ने बारिश की एक बार फिर पेशगोई कर दी है, यानी के महकमा मौसमियात ने बारिश के 30 से 40% इम्कान एक बार फिर जाहिर कर दिए हैं, लेकिन बरतानवी महकमा मौसमियात का कहना है कि उम्मीद है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान दूसरा T20 मैच शायकीन क्रिकेट पर पूरी तरीके से एंजॉय करेंगे। और अगर दोस्तों इस मैच में कौमी क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 को देखा जाए तो जिसमें नंबर 1 पर होंगे उस्मान खान और नंबर 2 पर होंगे मोहम्मद रिजवान, यानी कि उस्मान खान और मोहम्मद रिजवान आप लोगों को ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पर आएंगे कौमी टीम का कप्तान बाबर आजम, तो नंबर 4 पर होंगे फखर जमान, नंबर 5 पर होंगे इफ्तिखार अहमद, तो नंबर 6 पर आएंगे आसिम खान, नंबर 7 पर होंगे शहीन शाह अफरीदी, तो नंबर 8 पर होंगे मोहम्मद आमिर, नंबर 9 पर होंगे इमाद वसीम, नंबर 10 पर होंगे हारिस रऊफ, जबकि दोस्तों नंबर 11 पर नसीम शाह भी पाकिस्तान के प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। तो प्यारे दोस्तों, यहां पर आपको बताते चले कि दूसरे T20 मैच में उस्मान खान और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को कौमी क्रिकेट टीम के प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, क्योंकि दोस्तों याद रहे कि उस्मान खान और हारिस रऊफ को आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में एक भी मैच नहीं खिलाया गया था, जिसकी वजह से अब इन दोनों बड़े खिलाड़ियों को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान की मुमकिन प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, यह दूसरा T20 मैच कौन सी टीम विन करेगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।